स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत जबलपुर में चल रही तीरंदाजी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने गोल्ड पर निशाना साधा है। मिक्स टीम इवेंट में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक तरफा जीत हासिल की और महाराष्ट्र की टीम को 5-1 पॉइंट से हरा दिया। मिक्स टीम इवेंट में मध्य प्रदेश तीरंदाजी से अमित कुमार और सोनिया ठाकुर टीम में थे, जिन्होंने बेहद एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर निशाना साधा और एक तरफा जीत हासिल की। गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दुर्गेश ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत जबलपुर में चल रहे तीरंदाजी प्रतियोगिता में आखिरकार मध्य प्रदेश की झोली में भी गोल्ड मेडल आ गया। आज मिक्स टीम इवेंट में मध्य प्रदेश को गोल्ड मेडल मिला है और दोनों गोल्ड मेडल हासिल करने वाले दो खिलाड़ी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और बेहतरीन प्रदर्शन रहा और एक तरफा मैच एक तरीके का ये कहा, जिसमें उन्होंने दूसरी टीम को परास्त किया और गोल्ड पर निशाना साधा। किस तरह का इवेंट था और कितने पॉइंट से आप जीते बताइए। बहुत अच्छा इवेंट रहा और हम जीत महाराष्ट्र के साथ हमारा मैच था महाराष्ट्र मिक्स टीम से और हम जीते 5-1 से, उनका वन हमारा 5 और मैच क्लियर हो गया। बिल्कुल, इसके पहले किस तरह का प्रेशर था, क्योंकि हम यहीं तैयारी करते हैं स्वाभाविक तौर पर थोड़ा प्रेशर रहता है, दिमाग में क्या चल रहा था उसका? प्रेशर तो सर हर टूर्नामेंट में आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा था और हैंडल किया जैसा सर ने बोला था, भरोसे के साथ शूट करो वैसे ही किया। बिल्कुल, 5-1 से जीतना बड़ी जीत कहलाती कहीं ना कहीं? यस सर, 5-1 से जीतना बड़ी जीत कहलाती है, क्योंकि वो एक तरफा ही मैच हो जाता है। कैसा लग रहा था जब आप निशाना साध रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र की टीम भी बहुत टक्कर की थी और सिंगल में हम कोई भी मेडल नहीं ला पाए, तो इस बात से कहीं ना कहीं प्रेशर था दिमाग में? सर प्रेशर तो था थोड़ा सा, पर सर थे पीछे, सर ने बताया था अब सब कुछ छोड़ दो, आखिरी इस पे प्रेजेंट पे ध्यान दे के चलाओ, तो इसी पे ध्यान दे के चलाया था तो गोल्ड मेडल जीता था। बेहतरीन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो चल रहा है ये बहुत बेहतर मंच है कहेंगे खिलाड़ियों के लिए, कैसा लग रहा है इस गेम में आपको? सर ये बहुत अच्छा मंच है, क्योंकि खेलो इंडिया साल में भी एक ही बार होता है और हमारा गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलो इंडिया का अरेंजमेंट करवाया था MP स्टेट आर्चरी एकेडमी में। बिल्कुल, आप लोग तो देश विदेश में खेलते रहते हैं, जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं बिल्कुल राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की तैयारियां हैं यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत अच्छा है, जैसा इंटरनेशनल में होता है वैसे ही यहाँ पर। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहा जाए मध्य प्रदेश की झोली में भी तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल आ चुका है, सिंगल में भले ही हम चूके लेकिन मिक्स टीम इवेंट में हमने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर।